हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रही हूँ मैंगो क्रीम डिलाइट। काफ़ी टेस्टी और लाइट सी स्वीट डिश है ये। आइए, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने जो मैंगो लिए हैं, दो मैंगो हैं, ये दशहरी हैं, काफ़ी मीठे होते हैं। ग्राम क्रैकर्स बिस्किट लिए हैं, ये करीब 20 बिस्किट्स हैं। आप इसकी जगह पर चाहें तो डाइजेस्टिव बिस्किट भी ले सकते हैं, नहीं तो जो भी आपको बिस्किट पसंद हो आप वो ले सकते हैं। थिक क्रीम ली है मैंने, ये 125 ml, 250 ml व्हिपिंग क्रीम है, 2 tablespoon बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर है ये, 2.5 tablespoon शक्कर ली है मैंने, नॉर्मल शक्कर ली है और उसका पाउडर बना लिया है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैंगो को काट लेती हूँ, इसकी मुझे प्यूरी बनाना है और ये जो बिस्किट लिए हैं इन्हें भी हमें क्रश कर लेना है। आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बिस्किट लिए हैं इसे इसमें मिक्सर में डाल के अच्छे से इसका हम पाउडर बना लेंगे। मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो बिस्किट लिए थे इसका हमने पाउडर बना लिया है। और साथ ही में जो ये मैंगो लिए थे उन्हें भी मैंने कट कर लिया है, इसे भी हम इसमें डाल के पेस्ट बना लेंगे इसका। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंगो लिया था मैंने उसे काट लिया है और इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। कुछ पीसेस रख लेंगे, बाकी सबकी हम प्यूरी बना लेते हैं। बस मैंने इतने पीसेस छोड़ दिए हैं, बाकी की हम प्यूरी बना लेते हैं और आपको दिखाती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे अब हम सेट कर लेते हैं। ये जो मैंने लिया है इसी में मुझे ये सेट करना है, इसलिए इसमें ये बिस्किट का जो पाउडर लिया था और जो इसमें बटर मिक्स किया था ये सबको इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ गार्निशिंग के लिए। इसे एक सा करने सब इसे प्रेस करना है अब हमें। ये देखिए, काफी टेस्टी बनते हैं, काफी अच्छे से प्रेस करें इसे इसी तरह से। ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ करीब 20 मिनट के लिए, जिससे ये उसमें अच्छे से सेट हो जाए। जब तक इसे हम सेट करते हैं, सेट करने के लिए रख देते हैं और जो हमने व्हिपिंग क्रीम ली है उसे व्हिप कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आइए इसे फ्रिज में रख दें। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली थी उसे अच्छे से बीट कर लेते हैं हम, उसे व्हिप करना है हमें। देखिए इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इसी तरह करते रहें, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये अच्छे से व्हिप हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई, कितनी अच्छी फ्लफी सी एकदम, देखें। अब इसमें हम शक्कर मिला देते हैं, थोड़ी रख लेती हूँ शक्कर, ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। देखती हूँ अगर ज़रूरत होगी और मिला देंगे। और साथ ही में जो ये क्रीम ली थी इसे भी मिक्स कर देते हैं। जो बाकी की शक्कर थी डाल देते हैं क्योंकि मीठा कम ना हो जाए।
ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लें, कितना क्रीमी सा है देखें। और इसमें जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी उसे ऐड कर देते हैं। मैंने 2 मैंगो लिए थे, उसकी प्यूरी बनाई थी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। इसे मिक्स करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैंगो प्यूरी, क्रीम, शक्कर, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे सेट कर लेते हैं। ये देखिए, और ये जो बिस्किट हमने रख दिए थे उसमें फ्रिज में, ये भी अच्छे से सेट हो गए क्योंकि इसमें बटर है, तो ये अच्छे से हो गए सेट। अब इसमें जो ये प्यूरी है इसे हम डाल देते हैं, जो क्रीम है। इसे अच्छे से इस तरह से फैला देंगे चारों तरफ, सही से एक सा हो जाइए। इस तरह से फैला देंगे। इसे अभी हम गार्निश नहीं करेंगे, इसे गार्निश करेंगे करीब 15 से 20 मिनट बाद। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं जिससे ये थोड़ी सेट हो जाए, उसके बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंगो क्रीम डिलाइट बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था, ये अच्छे से सेट हो गई है। इसे मैंने फिर निकाल के गार्निश कर लिया है। आप जिस तरह से चाहें इसे गार्निश कर लें, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही लाइट होती है, लाइट स्वीट डिश है ये, ज़्यादा हैवी नहीं होती, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसे। मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।